भगवान की है, और यह कोई विधि नहीं है कि सुन लेंगे तो कुछ पाप कट जाएंगे। दो चार पाप कट भी गए और पाप करने की प्रवृत्ति न मिटी तो फिर 1000 पाप आ जाए और फिर हो जाएंगे। बिना पेंदी के पात्र में 5 हॉर्स पावर का पंप लगा के भी पानी भरोगे तो सब नीचे से निकल जाएगा, कितना डालोगे। पेंदी होना जरूरी है, पात्र खुला हो और परब्रह्म परमेश्वर अनुग्रह करते हुए कृपा वर्षित भी करते रहें तो कृपा तुम में टिकेगी ही नहीं। बस देखोगे पर प्राप्त नहीं होगी, समझोगे भगवान है पर तुम्हारे जीवन में उनका आनंद नहीं मिलेगा। गंगा के किनारे बैठे रहेंगे पर प्यासे त्रसित अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण भंग्रह तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस जगत में सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, वो तो मिल गया, अब काहे चिंतित हो। शास्त्र कहता है कि सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, वो तो मिल गया। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अपने जीवन चलन और अबुद्धता के कारण, अज्ञानता और नासमझी के कारण जिस शरीर से ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है, जिस शरीर से इस वसुधा का भोग किया जा सकता है, वीर भोग्या वसुंधरा, हमारे गुरुदेव कहा करते कि इस वसुधा का भोग भी कोई वीर ही कर सकता है। महावीर हनुमान जी की कृपा हम सब भारतवासियों के ऊपर है। ऐसे महावीर जिन्होंने अपने अंतर के शत्रुओं को भी परास्त कर दिया और बाहरी शत्रुओं को भी परास्त कर दिया। बाहरी शत्रुओं को परास्त तो सिकंदर इत्यादि ने भी, गजनी गोरी ने भी कभी कर दिया था, पर वो फिर मिट्टी में मिल गए। कभी औरंगजेब और बाबर इत्यादियों ने भी बाहरी शत्रुओं को परास्त कर दिया था, पर वो मिट्टी में मिल गए। पर एक हनुमान जी महाराज महावीर हैं, उन्होंने जब बाह्य विजय प्राप्त की, बाह्य शत्रुओं को हराया, तो वह विजय टिकाऊ हो गई। और हमारे तुम्हारे क्षणिक विजय बिकाऊ हैं, कभी कभी जीत भी जाते हैं तो जीतना भी हार की तरह ही है, टिकती नहीं है। आपके जीवन में आपका जीवन ही प्रमाण होगा, किसी संत से पूछने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने घर परिवार पत्नी बाल बच्चों से भी पूछने की जरूरत नहीं, अपने जीवन के सबसे बड़े प्रमाण तो आप हो। बचपन से लेकर आज तक कितने आनंदित रहे हो, कितने आह्लादित रहे हो, कितने मुस्कुराए हो, कितनी हंसी रही है जीवन में, कितना परोपकार करते हो, या दो दो एसी चलने के बाद भी बाहर तो ठंडक आ जाए पर भीतर हृदय में ईर्ष्या और मात्सर्य की आग जल रही हो, अभाव का आग जल रहा हो, तो बाहर की एसी काम नहीं करेगी। ये चमड़े ठंडे कर सकते हैं पर हृदय में लगी आग को ठंडक कौन करेगा। पुत्र मन के योग्य नहीं, पुत्र बधु बहु मन के योग्य नहीं, पति बात नहीं सुनते, पत्नी नहीं सुनती, भाई नहीं सुनते, मुकदमे हारे जा रहे हैं, मकान बनवाना चाहते हैं किराए से अपने मकान तक में नहीं आ पा रहे, 1 BHK से बंगलों का ख्वाब देखते देखते जिंदगी निकल गई,
चार लोगों के कंधे पर जाकर भस्मीभूत हो गए श्मशान में। तुम्हारे अपने जीवन ही तुम्हारा प्रमाण है, तुम्हें किससे पूछना है, कहां हाथ दिखाने हैं किससे कि मेरी हस्तरेखा देख के बता दो कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है यह तो तुम स्वयं जानते हो। क्या चलने वाला है वो तो तब समझ में आएगा जब तुमने कोई निश्चय कर लिया हो। हरि के मार्ग पर चलने का, विधि के विधान में चलने का, सद्गुरु के मार्ग में चलने का, धर्म को अपनाने का अगर लक्ष्य बना लिया हो तो निश्चय है धर्म लक्ष्य जिसका हो और धर्म के मार्ग पर जो चलता हो उसको देखने में तो दुख आ सकता है। प्रहलाद की तरह, प्रहलाद को पहाड़ों से फिकवा दिया जा रहा, हाथियों से कुचलवा दिया जा रहा है, सर्पों से दंशन दिलवाया जा रहा है, उनके भोजन पानी को बंद करके कारागार में डाल दिया जा रहा है, लेकिन प्रहलाद से कोई पूछता है तुम तो बड़े दुखी हो गए, पहाड़ से गिराया गया कैसा लगा। प्रहलाद कहते हैं ऐसे जैसे मेला में बच्चे जाते हैं और जो स्लीपरी उनके लिए खेल का बनाया रहता है, नीचे गद्दा लगाया रहता है। बोला हमको तो ऐसे ही लगा जैसे नीचे कोई डनलप बिछा के बैठा हुआ है। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाया जाता है, उसके बाद भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। तुम 55 साल के हो गए और एक ठोकर लगते ही बिलबिला जाते हो। भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय धर्म की विधा, हमारी ये परंपरा जो पूरी मानवता को प्रसन्न और आनंदित करने के लिए श्रेयस्कर है, पर हमारा आपका जीवन केवल प्रेय पाने में लगा हुआ है, श्रेय से हमें कोई मतलब नहीं। हम रुचियों के अनुरूप जीते हैं, नीतियों के अनुरूप नहीं जीते हैं। क्या पसंद है वो करना चाहते हैं और वो मिलता कभी नहीं, पर धर्म नीति पर चलकर धर्मयुक्त जीवन जीते हुए जीवन आनंद को उपलब्ध होने का एक जो अवसर मनुष्य शरीर में प्राप्त हुआ है उस अवसर को रोज गंवा रहे हैं। मैं ये बात अक्सर अपने भागवतीय मंचों से कहा करता हूँ कि उस व्यक्ति को गंवार मत कहो जिसने ABCD न पढ़ा हो, उस व्यक्ति को गंवार न कहो जो गांव में रहता हो, उस व्यक्ति को गंवार न कहो जिसने कभी कोई शिक्षा प्राप्त न की हो, बल्कि गंवार वो है जिसने अपने मनुष्य शरीर को दुखी होकर के गंवा दिया, ईश्वर प्राप्ति नहीं की, भगवत कथा नहीं सुना, आनंद प्राप्त नहीं किया और न आनंद वितरित कर सका। गंवार वो है।